पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि हमीरपुर के विकास के बारे में वीरभद्र सिंह के तथ्य सही नहीं है। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि हमीरपुर में डिग्री कॉलेज तब बना था जब हमीरपुर पंजाब का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज भी तब स्थापित हुए थे जब जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज स्तरोन्नत होकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIT तब बना था जब 1998 से 2003 के बीच भाजपा की सरकार थी और केंद्र में NDA की सरकार थी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि हमीरपुर में बस अड्डा और मिनी सचिवालय तब बने थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर का अस्पताल, नागरिक अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जनता पार्टी और भाजपा सरकार के कार्यकाल में बने हैं। उन्होंने कहा कि 2003 में कांग्रेस की सरकार बनते ही हमीरपुर अस्पताल का दर्जा रीजनल अस्पताल से कम करके जिला अस्पताल कर दिया गया था। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सड़कों का जाल भाजपा के राज में बिछाया गया है। प्रेम कुमार धूमल ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भोरंज, सुजानपुर, बड़सर और नादौन के कॉलेजों के भवन भाजपा सरकार के कार्यकाल में बनाकर जनता को समर्पित किए गए। उन्होंने कहा कि हमीरपुर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का करोड़ों रुपए का भवन बनाकर भाजपा कार्यकाल में ही लोकार्पण किया गया था। हमीरपुर पॉलिटेक्निकल में भव्य छात्रावास और एक विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण करके लोकार्पित किया गया। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि पिछले 3 दिन के मुख्यमंत्री के प्रवास में जितने भी उद्घाटन उन्होंने किए उन सब का निर्माण कार्य और उनके लिए धन का प्रावधान भाजपा सरकार ने किया था। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह सिर्फ अपने नाम की प्लेट लगाकर वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह ने कई उद्घाटन तो कर दिए लेकिन लम्बणू आयुर्वेदिक अस्पताल में उद्घाटन के बाद भी ताला लगा हुआ है। बीते दिनों मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश वीरभद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को जांच के मुद्दे को लेकर भी घेरने का प्रयास किया है। उस मुद्दे पर प्रेम कुमार धूमल ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि जांच से कोई डरता नहीं है, यह प्रदेश की जनता जानती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि अगर हेरा फेरियां नहीं की होती तो राजस्व रिकॉर्ड गैजेटियर क्यों जलाए जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, KA चैनल।